कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा के खेरली लाला से शुरू हुई है और भारत जोड़ो यात्रा 24 तारीख को बदरपुर सीमा से दिल्ली में एंट्री करेगी। आपको बताएं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा के खेरली लाला से शुरू हुई। खबरों की तो भारत जोड़ो यात्रा 24 तारीख को बदरपुर सीमा से दिल्ली में एंटर करेगी। ये यात्रा मथुरा रोड से होते हुए आश्रम की ओर बढ़ेगी। इसके बाद जाकिर हुसैन मार्ग, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, आईटीओ से होते हुए लाल किले तक जाएगी। दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक लाल किले से नेताजी सुभाष मार्ग होते हुए ये यात्रा आगे राजघाट तक पहुंचेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर गुरुग्राम जिला प्रशासन ने ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही आईपीसी की 144 के तहत पहले ही आदेश जारी कर दिया गया था। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की थी, जिसमें कहा गया कि बल्लभगढ़ से धौच होते हुए सोहना जाने वाला रूट बंद रहेगा। बड़खल चौक, पुराना चौक और नीलम अजरौंदा चौक से एनआईटी की ओर आने वाले सभी वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही दिल्ली मथुरा रोड, नीलम फ्लाईओवर के ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से के दौरान दोनों दिन फरीदाबाद में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जारी एडवाइजरी में कहा गया कि यात्रियों को सलाह दी जाती है वे ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं ताकि ट्रैफिक संबंधित किसी भी समस्या से बच सके। जोड़ो यात्रा का रूट। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर से राज्य में प्रवेश करेगी। इसके बाद अपोलो अस्पताल होते हुए यात्रा आश्रम तक पहुंचेगी। यहां से आश्रम पर दिल्ली गेट और दरियागंज होते हुए लाल किला पर जाएगी। राहुल गांधी के भाषण के बाद यात्रा को ब्रेक दिया जाएगा। हालांकि राहुल की इस यात्रा पर काफी सियासत भी हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा है। कोरोना गाइडलाइन ना फॉलो करने को भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाया। कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया। पत्र लिखा था भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। राहुल गांधी ने पत्र को यात्रा रोकने का एक बहाना बताया। सर्वाधिक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार के मंत्री बेटे से हटकर एक अलग राहुल गांधी के रूप में जनता से संवाद करने की कोशिश की। यही कारण है कि देश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी की चिंता का सबब भी है। वीर सावरकर और तवांग के मुद्दों पर राहुल इस यात्रा में गरीबी, बेरोजगारी, सुरक्षा, अवेशिता, भय का वातावरण समाप्त करने जैसे मुद्दों को उठा रही हैं, अपनी ओर से आश्वस्त करने का प्रयास कर रही हैं कि अगर कांग्रेस लौटी तो देश का माहौल बदलेगा। इसका कोई ठोस रोड मैप उनके पास नहीं है, केवल एक लाठी है। एक और अहम बात ये कि राहुल गांधी लगातार पैदल चल रहे हैं। हालांकि अभी तो हमेशा जेड सिक्योरिटी में घिरा रहने वाला ये शख्स 2000 किलोमीटर का फासला पैदल नाप सकता है। उनकी यात्रा में खिलाड़ी, कई अभिनेता, अमीर गरीब खुद शामिल होने पहुंच रहे हैं। इससे आम लोगों में यह है कि राहुल की ये यात्रा क्या वोट में तब्दील हो पाएगी और जमीन पर कांग्रेस कितनी मजबूत हो पाएगी। ब्यूरो।